गुड मॉर्निंग इंडिया। तो गाइस सबसे पहले तो चैनल पे आपका मेरा बहुत बहुत स्वागत है और ये है मेरी कजिन, मेरी सोल सिस्टर आप बोल सकते हैं ज्यादा इसको। तो इसका नाम है अनुभा और यू कैन कॉल हर गुनगुन। यस, ये ज्यादा बेटर है। तो मैंने आज सोचा कि हम लोग क्यों ना एक प्रॉपर व्लॉग बनाएं। गाइस हम लोग जा रहे हैं यहाँ सबसे पहले देहरादून हमारे जोशी परिवार से मिलने। पूरे पूरे हमारा जो मेन परिवार है उसके लिए आप लोग देख सकते हैं हम कितना रेडी हुए हैं। सती सावित्री बनी है हम लोग। और ये सिर्फ हम दोनों नहीं, हमारा पूरा जो घर का मतलब महिला मंडल, हमारा जनानी गैंग हम लोग की जो है पूरी। और देहरादून जा कहाँ से रहे हो? रुद्रपुर से। हम लोग जा रहे हैं रुद्रपुर से, यहाँ हमारे नानी नानू का घर है, यहाँ से ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ पहली बार हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने कहा इस चीज़ का भाई प्रॉपर ब्लॉग तो जरूर बनना चाहिए, काफी मजा आने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी हमने साथ लेके चले। ऐसा पूरा एक मेन हम जा रहे हैं मसूरी। मेन हम जा रहे हैं मसूरी। सबसे पहले हम यहाँ से देहरादून जाएंगे। आज है 7th of June एंड अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, तो 6:50 की हम लोग की ट्रेन है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले देहरादून जाने वाले हैं, फिर उसके बाद कल सुबह हम लोग निकलने वाले हैं मसूरी के लिए। 2 दिन का उधर स्टे है, फिर हम लोग 10th को वापस आ जाएंगे। तो अभी देखते हैं ये व्लॉग कब तक अपलोड होता है, बट यस काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। यस, लेट द वेकेशन बिगिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो गाइस वी आर फाइनली रीच्ड द स्टेशन एंड ये मेरी छोटी बहन इससे मिली है और इसका नाम है आराध्या। हाय करो, चलो हेलो। तो यहाँ से हम लोग जाने वाले 6:50 पर ट्रेन आने वाली है, थोड़ा टाइम रह गया, 6:35 हो चुका है, तो चलिए चलते हैं। और ये हम सब यहाँ वेट करते हुए, तो सब लोग इधर देखो, व्लॉग में हाय कर दो एक बार जल्दी से। नानू हेलो। स्टॉपेज था और ट्रेन अभी चल भी पड़ी है, तो हम सब यहाँ पे सामान रखते हुए और ये फिर से हाय करते हुए। सो गाइज वी आर फाइनली रीच देहरादून एंड अब हम लोग जाने वाले हैं अपने नानुओं के घर। एक तो नानू हमारे, ये हमारे 3-4 नानू है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो। हाँ, बड़े नाम भी छोटे नाम भी सबके वहाँ जाना है हमें। तो चलिए चलते हैं। और ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी आधा आधा घंटा इधर आने में, तो 1 बज गया हमें ऑलमोस्ट। लेट्स गो नाउ। सो गाइस पहुँच चुके हैं हम अपने बड़े नानू के घर एंड यहाँ पर मैं आपको एक सबका दिखा देती हूँ। मिलन समारोह हो चुका है ऑलरेडी, तो बस एक जगह दिखा देती हूँ आप लोगों को, सब लोग क्योंकि बैठे हैं, बातें बातें हो रही, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, सो इट्स रियली फन। गाइस ये इन लोग को दौरे पड़ते हुए। माता चढ़ी है इनके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्या पागलपना चल रहा है यहाँ, और ये लोग मुझे ब्लॉक करने नहीं देंगे मुझे ऐसा लग रहा है इधर। ये बच्चे मुझे व्लॉग नहीं करने देंगे इस जन्म में। बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, रुक जाओ। देखो गाइस अभी हम लोग हैं अपने छोटे नानू। शट अप गाइस, रुको देखो, रुको 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 रुको, तो एक मिनट, शांति शांति। हाँ ओके ओके। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बच्चे लोगों ने कैसी आफत काट रखी थी, तो मैं वहाँ व्लॉग नहीं कर पाई बिल्कुल भी। तो अभी मैं दूसरे कमरे में आई हूँ और अभी प्लान थोड़ा ऐसा चेंज हुआ है कि पहले हम लोग का सीन था कि हम लोग 10th को वापस जाएंगे, बट अभी टिकट कैंसिल करा के हमने 11th की करा ली है, क्योंकि हमने सोचा कि हम देहरादून थोड़ा और रुकेंगे। तो बाकी तो वही है कि हमें कल मसूरी निकलना है, 2 दिन का स्टे उधर है, फिर वापस आके इधर रुकना है एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस रुद्रपुर। तो अभी चल रहा था यहाँ पे खाना वाना, तो एक बार मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ लोग ऊपर से, सब लोग डिनर कर रहे हैं। तुम ये कर लो पहले, तुम लोग ये कर लो पहले। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मसूरी के लिए और ये बहन मेरे पीछे से पकड़ाते हुए मुझे हट हट
हम लोग, अरे यार हद है। तो अभी काफी मजे करने के बाद देहरादून में इतना मजा आया हम लोग को सबके साथ। मैंने अपने कजिन के साथ काफी बतियाया होती आया, तो काफी टाइम बाद मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो आफ्टर हैविंग सच अ ग्रेट टाइम, अभी हम लोग जा रहे हैं मसूरी, वहाँ पे दो दिन का स्टे, उसके बाद वापस हम लोग देहरादून आने वाले हैं एक दिन के लिए। तो हम लोग का प्लान है, हम लोग थोड़ी मस्ती वस्ती करेंगे, उसके बाद थोड़ा घूमने वूमने भी जाएंगे उधर। तो चलिए पहले अभी मसूरी चलते हैं। मसूरी एंड हम अपने होटल में आ चुके हैं और होटल का नाम है हंसा पैराडाइज। तो सबसे पहले तो मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ उधर का। तो चलिए, अभी तो हम लोगों ने सामान वामान कुछ रखा नहीं है, बाहर ही है, तो मैंने कहा पहले अभी गंदा नहीं हुआ रूम, तो पहले रूम टूर दे देते हैं। सो दो रूम हमने यहाँ बुक कराए हैं, एक ये बाहर बैठने बैठने का बहुत सही है, और दूसरा रूम ये, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडिंग लगवाई है, यहाँ पे हम लोग हैं, वहाँ पे नानी नानू है उस वाले में। तो ये हमने यहाँ जो रूम्स बुक कराए हैं, अभी थोड़ा आए हैं हम लोग, थोड़ी खड़ी चढ़ाई थी यहाँ पे लगभग 70-80 मीटर्स, तो थोड़ा सांस सांस फूल गए, उस वजह से हम लोग अभी बाहर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद रखेंगे सामान वामान, फिर थोड़ी देर बाद हम लोग घूमने वूमने निकलेंगे फ्रेश व्रेश होकर। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, कुछ भी कहो, पहाड़ों में आके जो अलग ही फील आती है ना, एक अलग ही लेवल का सुकून होता है इधर कसम से। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और अभी देखते हैं कहाँ कहाँ घूमना है। तो चलिए, काफ़ी मज़ा आया। पहली बार हम लोगों ने ऐसा कुछ ट्राई किया, हमने जिप लाइन वगैरह, और वो जो 360 डिग्री पूरा रोटेट करता है, वो सब क्लिप्स वगैरह आप लोगों ने देखी ली, और वो पानी वाला, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डर भी लगा, बट मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। मतलब पहली बार ट्राई किया पर एकदम वर्थ इट, काफ़ी सही था। हमने 10 कूपन खरीदे थे, मतलब बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा, वर्थ रुपीज़ 2000, हाँ वर्थ रुपीज़ 2000 एंड सही था। गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी भट्टा फॉल, मतलब एकदम पहुंचे नहीं है, बट हम लोग रोपवे वाले उसमें आ गए। हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं रोपवे से भट्टा फॉल, एंड उधर थोड़ा खाना पीना होगा, फिर देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे सीन घूमने का। तो ये देखिए, आपको यहाँ का लुक दिखाती हूँ।
बोटिंग करते हुए, और अभी अभी हम लोग लंच करके आ रहे हैं यहाँ पे, वो ट्रैवलर्स कैफे करके हैं, भट्टा फॉल में हम एंट्री मार चुके हैं, तो अभी हम लंच वंच करके अभी निकले। हेलो, इसका हेलो ही नहीं खत्म होता पूरे ब्लॉग में। तो अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और 10 मिनट का टाइम है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी तक, तो बहुत सही हमारी ट्रिप जा रही है, अब बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली, पता है इतना हम लोग घूमे और एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह लिटरली सब में मतलब काफ़ी सही रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो। और यहाँ भट्टा फॉल में भी एक से एक है, बट हम लोग वहाँ पे ऑलरेडी इतने कर चुके हैं कि 2000 तो उधर ही लग गए थे। इधर भी रोप वे में आ गए, कितना लगा ही जाने का रोप वे में? 150। अच्छा 250, ओके 1500 लगाए, हम 7 जने थे तो 1500 हम लोग का टोटल लगा है। तो आप लोग डेफिनेटली आ सकते हो, काफ़ी वर्थ इट है और बहुत मज़ा आ रहा है।